हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि राष्ट्रवाद और जनतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने सभी क्वेश्चंस कवर किया है। तो गाइज, ये बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसके अंतर्गत लास्ट यूनिट जो है उसी का टॉपिक है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनलिज्म को अच्छे से जान लेते हैं कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद है क्या। तो गाइज, नेशनलिज्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद, नेशन प्लस इज्म, नेशन प्लस इज्म। जो राष्ट्र है ये एक प्रकार का सांस्कृतिक विचार यानी कल्चरल विचार है, कल्चरल थाट है, उससे संबंधित है, कल्चरल थाट से। और लोगों का समूह, जो राष्ट्र है यह लोगों का समूह है जो समान परम्परा, समान सोच और समान भावना से जुड़े हुए होते हैं। और इनका एक मेन मकसद होता है कि ये राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण की भावना, यानी अपने राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण की भावना रहता है। तो गाइस, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए और देख लेते हैं कि इस प्रकार जो राष्ट्र है उसे कहा जाएगा जहाँ के लोग किसी विरासत को, यानी एक राष्ट्र है, अब यहाँ के लोग किसी विरासत को केंद्र बिंदु मानकर आपस में जुड़े होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब वो जो विरासत है वह भाषा भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है, संस्कृति यानी कल्चर हो सकता है, इतिहास हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है, जिसके लिए उस राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। गाइस, अगर आप कन्हैया कुमार यानी जेएनयू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ये जेएनयू से पढ़ाई किए हैं, तो कन्हैया कुमार का इंटरव्यू आप देखे होंगे, उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा जैसे कि हिंदी है और आपकी क्या है, आपकी नहीं है, जैसे मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी है लेकिन आपकी नहीं है, और मैं आप पर अपनी मातृभाषा न थोपूँ, यही राष्ट्रवाद है। यानी ज़बरदस्ती कोई चीज़ न थोपा जाए, वो हमारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, यानी समर्पण की भावना हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए, वो किसी ने थोपा नहीं हो। तो गाइस, यही है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद को समान अर्थों में देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशलाइजेशन एंड कल्चरल एकता की भावना है, यानी इमोशंस ऑफ यूनिटी से संबंधित है गाइस। तो गाइस, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद क्या है। यह लोगों का ऐसा समूह है जिसमें वो समान परंपरा, समान सोच, समान भावना से जुड़े होते हैं और राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना होती है वो समर्पण की भावना होती है। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं। फर्स्ट है कि अपने देश के प्रति लगाव एवं समर्पण की भावना क्या कहलाती है। तो गाइज, अपने देश के प्रति लगाव एवं समर्पण की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म कहलाती है। फिर गाइज, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के तत्व हैं यानी एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक भौगोलिक सीमा, सही है। एक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया, ये भी सही है। विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल यूनिटी, ये भी सही है। तो गाइज, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। फिर गाइज, नेक्स्ट है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों में ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है, तो क्या कहलाती है, ये गाइज लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है जनतंत्र। लोक यानी जन मतलब मनुष्यों का समूह। तो गाइज, ये लोकतंत्र जो है, जनतंत्र, ये दोनों एक ही नाम के दो पहलू हैं। तो गाइज, ये आंसर हो जाएगा बोथ यानी दोनों सही है। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग किस व्यवस्था का युग है। जो आधुनिक युग है भारत में वो किस व्यवस्था का युग है, तो वो है जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी का युग है। यहाँ जनता का शासन है, जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो शासन करती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यानी जो डेमोक्रेसी है वो पीपल का है, पीपल के लिए एंड पीपल द्वारा शासन है। तो यह कथन किसका है, यह फेमस कथन किसका है, तो यह है अब्राहम लिंकन का।
किसका है? अब्राहम लिंकन का। तो गाइस नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? राष्ट्रीय एकता का विकास, कुशल नागरिकता का प्रशिक्षण, सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता। तो गाइस तीनों के तीनों कथन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के संबंध में, किसने कहा है कि मैं सच्ची शिक्षा उसको कहता हूँ जो बालक को इस योग्य बना दे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पैरों पर खड़ा होने का मतलब है आत्मनिर्भर हो सके। तो गाइस ये फेमस कथन है स्वामी विवेकानंद का। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, यानी डेमोक्रेसी का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है? तो गाइस जो लोकतंत्र है ये डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस, डिमोस प्लस क्या क्रेशिया, क्रेशिया यानी KRATIA, क्रेशिया, डेमोस प्लस क्रेशिया, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता यानी कि पीपुल, जनता यानी कि पीपुल, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन यानी कि रूल, रूल किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो गाइस इसका ये शाब्दिक अर्थ होगा जनता का शासन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है? तो गाइस यह फेमस कथन है सीले का। किसका? सीले महोदय का है। फिर गाइस नेक्स्ट है लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो गाइस लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी जो डेमोक्रेसी है उसके दो टाइप हैं, कौन कौन से? एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और फिर दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? इसमें जैसे कि जनता जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, यानी कि जब ये चुनती है तो वो स्वयं से चुनती है, जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो वोटिंग के लिए जनता खुद जाती है, जनता चुनाव करती है डायरेक्ट रूप से, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका दूसरा नाम है शुद्ध लोकतंत्र। फिर नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को, या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चुनती है या शासन करती है, अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से शासन करती है। अब वो प्रतिनिधि विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, यानी कि विधायक और सांसद को जनता वोट डालती है, और विधायक सांसद जो हैं ये PM, CM या सांसद या जो भी लोग रहते हैं इनको चुनते हैं। तो गाइस जैसे कि जो सांसद हैं वो किसको चुनाव, उसका वो किसका चुनाव करेंगे? जो सांसद हैं वो PM का चुनाव करेंगे, और सांसद को कौन चुनाव, सांसद को कौन जिताएगा? तो सांसद को कौन वोट देगा? तो सांसद को जनता वोट देती है, और सांसद जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो प्रधानमंत्री को वोट देकर वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसी तरीके से जो विधायक हैं उनको वोट देते हैं जनता, और जो विधायक को वोट देती है जनता, लेकिन विधायक जो होते हैं वो देते हैं वोट अपना CM को, यानी CM मनोनीत करते हैं, विधायक लोग मिलकर CM मनोनीत करते हैं। तो गाइस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, और जैसे कि सांसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव, तो ये सभी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे सरपंच का चुनाव हो गया, विधायक का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव हो गया, इसमें जनता डायरेक्टली भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो भाग लेती है, जिसका दूसरा नाम क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। तो गाइस इसका ये दो टाइप है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का गुण है। तो गाइस लोकतंत्र का गुण क्या है? जनता की सरकार यहाँ होती है, सही है। निरंकुशता का अभाव यहाँ होता है, ये भी सही है। देशभक्ति की भावना, यानी ये उपयुक्त कथन जो है सही है, ये उपयुक्त कथन, यहाँ शासन नहीं बल्कि कथन होना चाहिए, उपयुक्त जो कथन है सही है। और गाइस जैसे लोकतंत्र के अन्य अगर क्वालिटी देखी जाए तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये भावना भी इन्वॉल्व होती है, और व्यक्तित्व का विकास, मानवीय गुणों व मूल्यों का विकास, जन कल्याण, लोकप्रिय शासन, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, तो ये सभी क्वालिटीज डेमोक्रेसी के हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, ये तो इस हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र के दोष नहीं है,
सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ये दोष है। गुण की अपेक्षा संख्या पर बल ये भी दोष है, यानी ये नहीं देखा जाता है कि एजुकेशन कितनी संख्या में लोग लिए हैं या वो जो स्पेशलिस्ट मतलब एजुकेशन या सर्टिफिकेट लिए हों वही नहीं वोट देते हैं। भारत की सभी जनता जिनका जो एज है वो 18 एबव होना चाहिए वो सभी लोग देते हैं। तो इसमें संख्या पर ज़्यादा बल दिया गया है, ना कि ये डिसाइड किया गया है कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, केवल वही लोग देंगे। तो गाइज ये इसकी जो दोष है। और फिर नेक्स्ट है भ्रष्ट शासन, ये भी कहीं कभी कभी देखने को मिलता है। अब लास्ट है निरंकुशता का अभाव। तो गाइज ये निरंकुशता का अभाव जो है लोकतंत्र का क्वालिटी है, क्योंकि केवल एक ही लोग नहीं शासन करते हैं, ये जनता द्वारा हर एक 5 साल बाद नई सरकार आती है। जो सरकार सही काम करता जनता उसी को वोट देना चाहती है। तो गाइज ये कथन गुण हो गया, ना कि दोष होगा। फिर नेक्स्ट है सरपंच कैसे लोकतंत्र का उदाहरण है। सरपंच जो होता है वो किस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण है। तो गाइस जो सरपंच है इसमें जनता डायरेक्ट जाकर वोट देती है, यानी ये डायरेक्ट लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जांपल है। फिर गाइस नेक्स्ट है कि सीएम यानी मुख्यमंत्री किस प्रकार के लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं, या ये किस प्रकार के लोकतंत्र द्वारा सीएम का चुनाव जो होता है वो किस प्रकार के लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। तो गाइस ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, यानी जो जनता होती है देश के जो लोग होते हैं वो चुनते हैं विधायक को और विधायक चुनते हैं सीएम को। तो गाइस ये इस तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को आज का वीडियो बेहद समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।